नमस्कार दोस्तों, ये है सैनी 160 टन। इसके फंक्शन के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ये है फिंगरप्रिंट। सबसे फर्स्ट हम फिंगर करेंगे आउटरिगर निकालने के लिए, कोई फंक्शन चालू होगा। ठीक है, इसमें एक सिस्टम दिया है, ये हमारा एरो जो आप सोचेंगे सेंटर बाय सेंटर करने के लिए, तो रिमोट में आप कर सकते हैं, लेकिन रिमोट के भरोसे नहीं रहना चाहिए आपको। इस पर ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए कभी गाड़ी का वाटर। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल में आप सभी दोस्तों को फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। तो अभी मैं ये 160 टन सैनिक क्रेन है, अभी इसके फंक्शन के बारे में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ, तो बने रहें वीडियो में हमारे लास्ट तक। तो दोस्तों, ये है सैनी 160 टन और इसके फंक्शन के बारे में आप सभी को मैं बताने जा रहा हूँ, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। तो चलिए देख सकते हैं आप, केबिन के नीचे जस्ट नीचे है ये हमारा कटअप स्विच है, जो बैटरी का कटअप स्विच है। ये नंबर है हमारा 1425, जो नंबर है हमारा, ये टायर नंबर है, बड़ा साइज है, आप वीडियो में देख रहे हैं। ये साइज है, सिंगल टायर का है, बड़ा टायर फ्रंट का है टायर। ठीक है दोस्तों, तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। फ्रंट केबिन का आप रिव्यू देखिए, ये फ्रंट केबिन है हमारा, सामने जो आप देख रहे हैं ये कैसा है लुक दिखा कमेंट सेक्शन में बताएं। केबिन आप सभी को कैसा लगा इसका? 160 टन न्यू मॉडल है, लेटेस्ट है, T7 जो देख सकते हैं आप, STC 1600 T7 आप देख सकते हैं। ये मॉडल एकदम लेटेस्ट मॉडल है भाई। तो केबिन का रिव्यू आप सभी को मिला, तो बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आप सभी को केबिन। ठीक है दोस्तों, चलिए आप सभी को कुछ है, हम जानकारी दे। स्टेयरिंग हो गया, स्टेयरिंग के साइड से आप देख सकते हैं, वो साइड में एसी का दो वायलर है, इधर भी है, हेल्पर के साइड में भी है, दोनों साइड में है उधर। ठीक है, और ये एसी स्विच है जो आप देख सकते हैं, ये एसी है, इसको जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे ऑन नहीं होगा, और ये स्विच ऑन करेंगे तो हमारा वायलर हवा चालू हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कूलेंट का हो गया, ये टेम्परेचर, इधर रेड साइड करेंगे टेम्परेचर आएगा। ये हमारा जिस मूड में चाहिए, स्लीपिंग मूड में चाहिए, जैसा मेथड में चाहिए वैसा आप रेस्ट ले सकते हैं, उस अनुसार हवा देगा। ये हमारा वायलर, एक राउंडिंग होता है फैन, उसके अनुसार आता है एयर। ठीक है, कूलिंग इट। और इधर हमारा डिस्प्ले हो गया, ये हमारा डिस्प्ले हो गया, आप डिस्प्ले में देख सकते हैं, ये म्यूजिक बजा सकते हैं, इधर हमारा वीडियो चल सकता है, जैसा वीडियो चाहिए हो आप वीडियो भी देख सकते हैं। ये जस्ट है ये भी, ठीक है, इसमें और भी सिस्टम है, FM बज सकता है, ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्लस हमारा मोबाइल के इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, और भी सिस्टम देता है हमारा, कैलेंडर है, सेटिंग है, बहुत सारे फंक्शन है इसमें, और ये हम ऑलरेडी वाईफाई भी इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्प्ले हो गया, ये FN हो गया, ये मोड हो गया, ये हमारा वॉल्यूम स्विच है, और इसको एक बार और प्रेस करेंगे हम तो हमारा सिस्टम कनेक्टेड होता है, और ये USB केबल है जो हम चार्ज भी कर सकते हैं और डाटा कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये सिस्टम हो गया आप सभी को AC का, ये डिस्प्ले का बता दिया। और एक बात है, ये हम जब तक रिवर्स गियर लगाएंगे तो हमारा डिस्प्ले में शो हो जाएगा, रिवर्स गियर में पीछे का पूरा कवर हमको दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रिवर्स हम लगा दिए, अभी हमारा पीछे का पूरा सीन दिखाई दे रहा है, ये रिवर्स गियर है, और अभी इसको हम न्यूट्रल करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा होम मेनू आ जाएगा। ठीक है, ये रिवर्स गियर लगाएंगे तो पीछे का आएगा। ठीक है, और इधर हमारा चाबी घाट है, चाबी घाट है, और एक मिनट थोड़ा यह प्रेशर बस आ जाएगा। ये हमारा फैन आ गया, अभी चालू हो गया, लेकिन लोगो सैनी का है ये, और सिंबल ये पैनल बोर्ड पे आएंगे आप सभी को कुछ स्विच के बारे में बताएंगे। इसमें सबसे फर्स्ट होता है फिंगर, हम फिंगर ऑन नहीं करेंगे तो हमारा कोई भी स्विच काम नहीं करेगा, यानी बटन हमारा कोई स्विच काम नहीं करेगा पैनल बोर्ड का। ठीक है, सेकंड हो गया हमारा लाइटिंग का, थर्ड हो गया हमारा, ये तो सिंबल नहीं दिया है, एक्स्ट्रा है, ये तीन जो सिंबल नहीं दिया है लाइन से, ये सब एक्स्ट्रा है, इसमें आप एडिंग कर सकते हैं, इसके लिए है।
और ये हमारा पार्किंग का हो गया, और ये हमारा लाइटिंग का हो गया, जो जैक लाइट है उसका, हमारा ये केबिन का ऊपर टॉप लाइट रहता है एम्बुलेंस लाइट का, उसका है, और नीचे हमारा एक्सेल का हो गया सेंटर बाइक क्राउन का, और ये 4x4 का है, और ये हमारा टायर कटिंग का है, ठीक है उसका है, और नीचे ये सिंबल है हमारा अपर डाउन जैसा सस्पेंसर उसको इसमें यही सिस्टम दिया है, जो कि हमारा जगह अच्छा ना हो उसके लिए वो मूड डाल देंगे तो ऑटोमेटिक हमारा गाड़ी सेफ रहेगा। यह हरन का मूड चेंज करने का है, एक टॉप लाइट एयर प्रेशर का है, एक नॉर्मल है, ठीक है। ये हमारा पीटीओ का है, और ये हमारा हैंडसेट, ये पीटीओ ऑन के लिए है, ये हाई लो के लिए है, ठीक है। ये स्विच, ठीक है, यही सिस्टम है हमारा पैनल बोर्ड में। ये इधर हैंड ब्रेक सामने है, इधर हमारा ये आरपीएम हो गया, इधर हमारा डीजल का हो गया, इधर हमारा सेल्सियस टेम्परेचर का जो होता है इंजन का वो है, ये हमारा दोनों एयर प्रेशर का है, ये दोनों, ये हमारा ट्रिप जो करते हैं हम उसके लिए है मीटर, किलोमीटर जो ट्रिप कर देंगे उतना किलोमीटर हमको चलना है उतना इसमें दिखाएगा, और ये हमारा नीचे हो गया किलोमीटर जो, हाँ एनी टाइम जितना किलोमीटर चलेगा मशीन टोटल का बताएगा, और ये हमारा इंजन आवर्स मीटर हो गया, ये बैटरी का हो गया, ये हमारा MPH है जो ये भी प्रेशर का है, और एक आता है सिस्टम है इसमें हमारा सिंबल आएगा ये यूरिया का, दबाए रही है, हाँ अभी आया ये हमारा यूरिया का, अब देख सकते हैं ये यूरिया का है हमारा, यूरिया जितना रहेगा सेल्सियस, इधर टेम्परेचर सेल्सियस है उसका है, इधर यूरिया हमारा 90.91.6 है इसका यूरिया का है, ठीक है, यही सिंबल दिया है बस है। किलोमीटर, ये हमारा किलोमीटर का है प्रति आवर्स, जैसे रेंज लेंगे उसका है, और ऊपर सिंबल बैटरी का दिया है, इंजन का दिया है, पार्किंग का दिया है, सेफ्टी बेल्ट सबसे जरूरी रहता है हमारा, ये सेफ्टी बेल्ट लगाना सबसे जरूरी रहता है, सेफ्टी बेल्ट कभी लगा के बस ड्राइव कीजिए अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा, ये इंडिकेट जब तक आप सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाएंगे तब तक हटेगा नहीं। ये सिंबल दिया हमारा राउंडिंग का, टोटल मशीन का, आप जब सेफ हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ये चाबी का ऑनिंग का है, ठीक है, और साइड में दोनों ये इंडिकेटर है, और ये इंडिकेटर का स्विच इधर दिया है जो आप देख सकते हैं, और उधर भी दिया है एक, और इधर ही लाइट सिस्टम दिया है, और एक साइड में स्विच जो दिया है ये वाला, ये हमारा कमेंट सेक्शन में आप बताएं इसका फुल नेम क्या है, जो ABS है उसका फुल नेम क्या आता है उसको बताइए, और ये हमारा वाइपर का हो गया सिस्टम, इधर हमारा वाइपर हाई लो जैसे सोचेंगे मूड वैसा कर सकते हैं, ठीक है, इससे हमारा पानी आएगा सामने क्लास पे, यही फंक्शन है। ये गियर देख सकते हैं आप, ये हमारा हाई लो है, जो नीचे अभी लो में है ऊपर करेंगे हाई हो जाएगा, और कभी भी हाई डालने के टाइम में हमको क्लच लेके ही, वो क्लच है, क्लच लेके तब हाई डालना चाहिए, कितने आदमी होते हैं डायरेक्ट देर डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रेशर पे होता है। ये हमारा इधर करेंगे, इधर करेंगे एक नंबर लगेगा, नीचे करेंगे इधर थोड़ा साइड में नीचे करेंगे दो नंबर, सीधे जस्ट ऊपर करेंगे तीन नंबर, जस्ट पूरा साइड अंदर लेके इधर नीचे करेंगे चार, ऊपर करेंगे पांच, और जस्ट हाई डालेंगे, हाई डालने के बाद हमारा तुरंत इधर आएंगे सबसे फर्स्ट में, ऊपर करेंगे छः, और जस्ट नीचे करेंगे सात, ऊपर करेंगे आठ, इधर नौ, इधर दस, और इधर रिवर्स दो दिया है, एक हाई का है एक लो का है, ठीक है, इसको हम लोग फास्ट गियर बोलते हैं, इसका नाम ही है फास्ट गियर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बने रहे वीडियो में लास्ट तक, तो आप सभी को जानकारी देते हैं और ऊपर केबिन के बारे में, ठीक है, बने रहे वीडियो में लास्ट तक दोस्तों। मॉडल 160 टन है क्रेन ग्रिपर वाला, अभी आपको मैं ये फंक्शन के बारे में, रिमोट के बारे में बताऊँगा। तो ये रिमोट है, ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर हो गया इमरजेंसी स्विच, और ये हमारा जो जिससे हम ऑन कर सकते हैं और इससे हम ऑफ कर सकते हैं, दोनों स्विच ये है सेम। देखिए अभी हम इसको ऑन कर रहे हैं, ये हमारा ऑन हो गया, ठीक है, ऑन, ये ग्रीन सिंबल आ जाएगा तो हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सिंबल देखिए हमारा आउट, ये काउंटरवेट का है, काउंटरवेट का पिस्टन है, ये स्विंग करेंगे एक बार तो एक नंबर में इधर एरो आएगा, हमारा स्विंग सेंटर टू सेंटर होगा, थोड़ा सा साइड रहेगा कर्व, इसके बाद सेंटर वाला है, हम ऑन करेंगे तो ये हमारा सेकंड वाला है लेफ्ट का, और इधर वाला है राइट का,
तो हमारा लेफ्ट का पिस्टन डाउन करना है तो डाउन कर सकते हैं, अप लेना है तो ले सकते हैं, ये राइट का है ठीक है। और ये हमारा आउटरिगर का है फर्स्ट और थर्ड का, और इधर वाला है सेकेंड और फोर्थ का। तो हम जिस मूड में चाहेंगे फर्स्ट वाला तो एक बार ऑन करेंगे तो हमारा फर्स्ट का हो गया, थर्ड का करना है तो थर्ड में कर सकते हैं, टू में करना है टू का कर सकते हैं, और फोर्थ का करना है तो फोर्थ में कर सकते हैं ठीक है। यही है सिस्टम। तो चलिए बने रहें वीडियो में लास्ट तक, अभी आपको बता रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट कर दिए। और इसके बाद ये हमारा लीवर है जो ऊपर वाला, ये हमारा आउटरिगर अगर निकालना है तो इधर हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये जैकी का हो गया रेड आएगा, तो अगर ग्रीन में आ रहा है तो हमारा आउटरिगर निकलेगा, और ये एक बार फिर रेड में करेंगे तो हमारा सिलेंडर जो निकलेगा जैकी का है ठीक है। इधर पांच में करना, ये केबिन का नीचे है जो आप सभी देख रहे हैं, ये सेकंड का है और ये फोर्थ का है, इसमें दिया है ठीक है दोस्तों। यही है, और ये हमारा मास्टर लेवल का काम करता है। बाहर निकालना आउटरिगर तो एरो इधर वाला आएगा, और अंदर जैकी करना है नीचे तो इधर आएगा, जैकी ऊपर करना है तो ये बटन है, और आउटरिगर अंदर लेना है तो ये है सिस्टम। यही है हमारे रिमोट है जो आप देख सकते हैं, यह सिंपल रिमोट है सैनी का 160 टन का ठीक है दोस्त। कोई भी जानकारी लेना है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप सभी को जानकारी मिलेगा। ये रिमोट का फंक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल दिया है। हेलो गाइज, आप सभी को ये सैनी 160 टन के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दिया, अभी जानकारी हम लोग दिए। तो ये हमारे अजीत भैया हैं जो ऑपरेटर हैं, इनसे कुछ आप सभी को सेफ्टी के बारे में कुछ बात करेंगे। तो ठीक है अजीत भाई, आप कुछ सेफ्टी के बारे में बताइए हमारे दर्शक सभी को। क्रेन कहीं भी लगाएं तो जमीन का सबसे पहले ध्यान रखें, ठोस है कि नहीं है, ठोस है तो भी अपना प्लेट वलेट अगर मंगा कर वहाँ पर लगा सकते हैं, बिना जैक लगाए बूम भी नहीं उठा सकते इस सब। ठीक है, हमारे अजीत भैया यही बोले हैं सेफ्टी के बारे में, सबसे जरूरी है कहीं भी मशीन लगाएं सेफ जगह लगाएं, और अच्छे जगह मशीन लगाना है तो पहले वहाँ जांच करें, यहाँ नाला ना हो, टैंक ना हो, कोई पाइपलाइन ना जाए, केबल ना जाए। नहीं तो क्या होता है, अभी बारिश का टाइम चल रहा है, बारिश के टाइम में कहीं भी आदमी जैकी लगाने के लिए लगा सकता है, आउटरिगर निकाल के लगा देते हैं, बाद में मशीन जब हैवी लोड उठाते हैं तो वहाँ क्रेक हो जाता है, क्रेक हो जाएगा उसके बाद डेंजर हो सकता है। इसके लिए कहीं भी काम करें सेफ करें, अच्छा जगह करें, और साहब कोई प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा है तो इतना हड़बड़ा के बात कहीं काम करने का नहीं है, कहीं भी काम करें सेफ शांति से करें, कोई ज़रूरी नहीं है हड़बड़ाने का ठीक है, सेफ में काम करें, कहीं सेफ्टी में काम करें ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।